आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनाने की जनता से अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। अगले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र को जारी कर देगी। उत्तराखंड में सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल को लागू किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर आम आदमी पार्टी का मुख्य फोकस रहेगा। महिलाओं को 1000 प्रतिमा देने, युवाओं को रोजगार देने, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने और प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराए जाने की घोषणा आम आदमी पार्टी लगातार करती आ रही है। मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10-पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे, यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं। हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या MLA के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, 5000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1000-1000 रुपए 18। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे, हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते हैं। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते, उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, वैसे यहां भी करेंगे और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया, उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम, जिसमें 1-4 लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खत्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जो कि गांव गांव के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके जरिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं हमने। आज लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, अमीर लोग, वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में कोई बीमार हो जाए,
अगर उसे बुखार हो और क्रोसिन चाहिए वो भी फ्री है, और अगर उसे कैंसर हो जाए या कोई ट्रांसप्लांट कराना हो वो भी फ्री है। 2 करोड़ लोगों का, हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त हमने सुनिश्चित किया है। लोग हैं उनको, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके तहत बहुत सारे लोग, अभी तक लगभग 40,000 लोग अलग अलग स्थानों के तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। जब वो वापस लौटते हैं उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए, इतने खुश होते हैं। हमने कहा कि हम उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे, टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ेगा, और इससे हमें उम्मीद है कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन रिटायर्ड सैनिकों को 34 साल की उम्र में फौज से रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कभी कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी ढूंढ रहा है, कोई कहीं नौकरी ढूंढ रहा है, क्यों भाई? 17 साल जब वो फौज में रहते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नल साहब से डिस्कस कर रहा था, उनको मेडिकल का भी एक्सपीरियंस होता है, इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, उनको तरह तरह का। वो फौज से निकलने के बाद देश के प्रति लॉयल होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं। इतना बड़ा रिसोर्स देश का खराब होता है, तो हमने तय किया है उन लोगों को सरकारी नौकरी, सबको जो भी रिटायर होकर आते हैं उत्तराखंड वासी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी।